जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से जुड़े दो विधेयकों को पेश किया। पहला जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और दूसरा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023। इन बिलों के पास होने के बाद कश्मीर में अब विधानसभा सीटों की संख्या 114 हो जाएगी। खास बात यह है कि इनमें से 24 सीटें पीओके के लिए रिजर्व की गई हैं। ये सीटें तब तक खाली रहेंगी जब तक पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा रहेगा। अमित शाह ने कश्मीर में सीज फायर करने और पीओके के मसले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने के पंडित नेहरू के फैसले को भी ब्लंडर बताया। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि आखिर क्या है पीओके का इतिहास। पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का मसला संयुक्त राष्ट्र तक कैसे पहुंचा, अभी वहां क्या स्थिति है और पीओके के लिए आरक्षित इन 24 सीटों के मायने क्या हैं? कश्मीर से जुड़े इन बेहद संवेदनशील सवालों के जवाब समझते हैं समझिए.com की इस रिपोर्ट में। 15 अगस्त 1947, भारतीय इतिहास की वो तारीख थी जब भारत को आजादी के साथ साथ बंटवारा भी नसीब हुआ। दुनिया के नक्शे पर भारत और पाकिस्तान अलग अलग मुल्क बने। उस दौरान भारत 500 से भी ज्यादा छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। इन्हीं में से एक थी जम्मू कश्मीर रियासत। जब बंटवारा हुआ तब जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का फैसला लिया। हालांकि बंटवारे के बाद भी पाकिस्तान की नजर कश्मीर पर थी। आजादी के कुछ महीने बाद ही 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की सरकार और सेना का समर्थन प्राप्त हजारों कबाइलियों से भरे सैकड़ों ट्रक कश्मीर में जबरन घुस गए। इनका एक ही मकसद था, कश्मीर में कब्जा कर उसे पाकिस्तान में मिलाना। दिन गुजरते गए और पाकिस्तानी कबायली कश्मीर के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा करते चले गए। आखिरकार जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत सरकार की ओर से महाराजा हरि सिंह के सामने कश्मीर के भारत में विलय की शर्त रखी गई। 27 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह भारत के साथ विलय के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। अगले ही दिन भारतीय सेना कश्मीर में उतर गई। भारतीय सेना पाकिस्तानी कबाइलियों को पीछे धकेलने लगी। हालांकि तब तक कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तानी कबाइलियों का कब्जा हो चुका था। उस वक्त भारतीय फौजें जिस तरह से पाकिस्तानी कबाइलियों को खदेड़ रही थी, उससे ये बात साफ थी कि कश्मीर की जो जमीन कबाइलियों ने कब्जा ली थी वो आसानी से भारतीय सेना कब्जा मुक्त करा लेती। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय संघर्ष विराम का फैसला लिया और गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह पर वो इस मसले को 1 जनवरी 1948 के दिन संयुक्त राष्ट्र में ले गए। संयुक्त राष्ट्र में ये मामला पूरे एक साल चला। दिसंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें जनमत संग्रह और सीज फायर की बात कही गई। संयुक्त राष्ट्र में जब ये सब हो रहा था तब तक पाकिस्तानियों ने कश्मीर के बड़े इलाके पर अवैध कब्जा कर लिया था। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच सीज फायर तो हो गया, लेकिन साथ ही ये भी तय हुआ कि भारत के पास जितना कश्मीर था उतना भारत के पास रहेगा और जितने हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था वो उसके पास चला जाएगा। पाकिस्तान ने कश्मीर के जितने हिस्से को उस वक्त कब्जा लिया था उसी को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके कहा जाता है। हालांकि सीज फायर होने के बावजूद पाकिस्तान की सेना पीओके से हटी नहीं, इसलिए भारत ने जनमत संग्रह करवाने से साफ मना कर दिया। हालांकि 1971 के युद्ध के बाद हुए शिमला समझौते में तय हुआ कि कश्मीर से जुड़े विवाद पर बातचीत में किसी तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं होगा, फिर चाहे वो संयुक्त राष्ट्र ही क्यों ना हो। इस विवाद को भारत और पाकिस्तान मिलकर आपसी तालमेल से सुलझाने की कोशिश करेंगे। इसके बावजूद पीओके का मुद्दा अब तक नहीं सुलझ सका। फिलहाल पाकिस्तान ने कश्मीर के 78,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा बड़े हिस्से पर अवैध कब्जा कर रखा है। इसके अलावा 2 मार्च 1963 को चीन पाकिस्तान के बीच हुए समझौते में पाकिस्तान ने पीओके का 5,180 वर्ग किलोमीटर हिस्सा चीन को दे दिया। चाइना को गिफ्ट देने के बाद पाकिस्तान ने 2009 में बचे हुए पीओके के दो टुकड़े कर दिए जिसमें से एक का नाम गिलगित बाल्टिस्तान रखा
तो दूसरे का नाम आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर यानी पीओके में वहां की अपनी सरकार है। पीओके का अपना राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है, लेकिन यहाँ की सरकार कुछ भी फैसले लेने के लिए पाकिस्तान की सरकार पर निर्भर है। वहीं भारत आज भी पीओके को अपना हिस्सा बताता है। यही वजह है कि पीओके में रहने वाले लोगों के लिए अलग से 24 सीटें आरक्षित की गई हैं। ये सीटें तब तक खाली रहेंगी जब तक कि इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का कब्जा खत्म नहीं हो जाता। साथ ही वहां रहने वाले लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं कर लेते। ये सरकार की पीओके को पाकिस्तान के कब्जे से खाली कराने की प्रतिबद्धता को भी जाहिर करता है।